ठीक तो सब खुश हो गया यार। भाई BMW विथ BMW, वाह भाई वाह, BMW विथ BMW आ गया साथ में। हाँ आवाज़ ऐसे हाई आरपीएम पे रहता है ना तो बहुत मस्त आवाज आता है, मतलब एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट लगवाएंगे इसमें। शोरूम इधर रहता है ना, हम लोग केटीएम नहीं दे रहे, बहुत दिक्कत होता है सर्विस से, बहुत नया। कितना लगा आपका फर्स्ट सर्विस? फर्स्ट सर्विस हमको भी लगा 1700 यहाँ से, मेरा कितना लगा 10,500। वो भी फर्स्ट सर्विस, वो भी फर्स्ट सर्विस आपका फ्री होगा ना, लेबर वगैरह इसमें 1 रुपया फ्री नहीं आएगा, पैसा 1500 है कि नहीं? महंगा है, हम लोग भी शॉप में ले तो लिए। एवरेज कितना दे रहा है आपका? ये 30 का दे रहा है ना, मेरा अभी निकालेंगे 19 का देगा, 19 से 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 20 से ऊपर आई सब गाड़ी हाथ मारने के बाद ना आदमी सब जाप में चलाता है, रुकने वाला चीज़ नहीं है, मैंने आएगा हाथ में जो पूरा चलाते रहिए, स्पीड वगैरह होते रहेगा। चलिए भैया ठीक है, मिलता है फिर, है ना? चाबी, चाबी किधर है? यहाँ निकालना निकालना, ग्लव्स पहन ली, नहीं निकल रहा ग्लव्स यार, दिक्कत है ग्लव्स लगाने, इसको पकड़ लो। हाँ धीरे धीरे आदत हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ग्लव्स पहन के चलाने वाले यार, ये राइडिंग वाले ग्लव्स, ग्रिप अच्छा है, मस्त ग्रिप है, देखो एकदम छूट भी नहीं रहा है। हाँ अभी नया है, थोड़ा आदत बनाना होगा। हाँ देखिए आवाज है ना, ठीक है, अच्छा आवाज है। भाई वो भैया लोग आए हुए थे गिरिडीह से अपना मतलब KTM का सर्विस कराने के लिए, ग्लव्स आ चुका है गाइस, स्टील बर्ड का ग्लव्स, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है पहनने में, मतलब नया नया ना भाई, हाथ में गुदगुदी हो रही है, लेकिन ठीक है यार, ग्लव्स को पहनने के बाद अब थोड़ा आराम है, तो मतलब धीरे धीरे आदत हो जाने के बाद ना अच्छा होगा। हम लोग अब हमेशा जब भी निकलेंगे ना राइड पर तो अपने ग्लव्स को तो एटलीस्ट पहन के ही निकलेंगे, और धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार एक राइडिंग जैकेट लेने के लिए, या तो Level 1 का ही ले लेंगे यार, लेकिन अभी ले लेंगे। बस बारिश ना हो जाए, बारिश का ही मुझे टेंशन है, और कोई दिक्कत नहीं। आए थे गाइस फ्रेम स्लाइडर और लीवर गार्ड्स के लिए, और लीवर गार्ड मुझे मतलब मिला भी, लेकिन वो भैया बोल रहे थे कि इसका हैंडल बार इतना बाहर है और इसका लीवर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मतलब इसमें थोड़ा दिक्कत, भाई साहब स्क्रैच कहाँ से आ गया, तो इसमें मतलब थोड़ा दिक्कत है लगाने में, लेकिन फिर भी यार हमने सोचा कि यार जब वैसा दिक्कत रहेगा तो फिर लगाएं कोई फ़ायदा नहीं, और हैंडल और ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, जैसे अभी देख लो स्क्रैच मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ही हैंडल बार मतलब लगने के बाद ना क्या होता है कि और थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा बाइक, तो उसके कारण भी स्क्रैच वगैरह आते रहेंगे यार, हर जगह लड़ते रहेगा बाइक, उसके कारण मैं शीशा नहीं खोलता हूँ, शीशा खोलने के बाद फिर और ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए हमने वो प्लान को ड्रॉप कर दिया। कभी इन फ्यूचर हो पाएगा तो एक बार लगवा के ट्राई करने के लिए लगवाएंगे, लेकिन अभी तो भाई प्लान ड्रॉप ही है समझ लो। अच्छा है गाइस मैंने एक साइज़ बड़ा लिया, क्योंकि एक साइज़ बड़ा में ही थोड़ा कम्फर्टेबल है, अगर एक साइज़ छोटा होता ना तो दिक्कत होने वाला था हमें। हमने गाइस यहाँ पर 1 साल के लिए इधर भी पढ़ाई करी है, यहाँ राजकमल स्कूल है गाइस, पहले मेरा स्कूल इधर भी हुआ करता था, लेकिन फिर बीच में लॉकडाउन आ गया तो फिर स्कूल भी बंद हो गई थी बीच में, आप लोगों को पता ही होगा। 12th गाइस मेरा ऐसे ही पास हो गया है, क्योंकि 12th के टाइम पे मेरा जो लॉकडाउन हो गया था तो उसके कारण नहीं हो पाया था एग्ज़ाम वगैरह हमारा। ये देख लो भाई बच्चा लोगों का रिएक्शन, क्या बाबू सब ठीक तो सब खुश हो गया यार। भाई BMW विथ BMW, वाह भाई वाह, BMW विथ BMW आ गया साथ में।
अब गाइस इसमें हमें फ्यूलिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि आधे टाइम तो फ्यूल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। और अभी तो यार इसमें देख लो, इसमें जो इसका जो रिजर्व वाला लाइट है वो भी जल चुका है। और भाई बाहर एक लेवल पे आ गई भाई साहब, अभी तो जस्ट मैं इसको फ्यूल करवाना ही पड़ेगा क्योंकि यार फर्स्ट टाइम इसका बाहर एक लेवल पे आया यार, क्योंकि मैं इसको बहुत चाँप रहा हूँ इसके कारण यार। और इसमें एवरेज भाई 36-50 का भी शो करता है लेकिन उतना हमें मिलता नहीं यार। एट द लास्ट मोमेंट में अगर इसका चेक करूँगा तो 19 या 20 का एवरेज मैक्स टू मैक्स हमें मिलता है इसका। इसका थोड़ा ग्लव्स में हमें आदत बनाना पड़ेगा यार, ग्लव्स का आदत है नहीं। पैसा नहीं है ना। तो पर तेल कहाँ से भराएगा? लो भाई अभी ग्लव्स का भी पैसा मैं ही दूँ, पैसा का इसका भी पैसा मैं ही दूँ, तुम भी तो चलाता है। लो खाली करो मेरा पर्स और क्या भाई साहब, इसका टैंक तो खाली ही हो चुका है ऑलमोस्ट। भैया 510 का दे दिए ना, 10 चेंज है तेरे पास या इसमें? हाँ 10 रुपया दे दो। भैया 510 510 ठीक है। दाम हम घटेगा नहीं पेट्रोल का, घटाइए आप लोगों का हाथ में सब है, थोड़ा सस्ता लगाइए हम लोगों को, थोड़ा कम पैसा ले लीजिएगा हो जाएगा काम और क्या। पेट भर गया गाइस मेरा नहीं बाइक का। हाँ अब अच्छे से चल रही है, अब पेट भर गया इसका, अब ये खुश। हाँ हाँ भाई इसमें है, इसमें वेंटिलेशन तो है गाइस। गर्मी लग रहा था अभी बाइक चलते चलते, अचानक से इसमें पूरा अच्छा से एसी का हवा आने लगा। इतना केला कौन खाएगा भाई, पूरा ऑटो भर के केला आया हुआ है। गजब आदमी यार, गाड़ी देख लो तो रुक जाओ यार एक बार, ऑटो वाला का कुछ नहीं हो सकता भाई। पूरा रोड पे जब तुमको रोकना ही है भाई, थोड़ा सा अंदर ही रुको, तुम्हारा भी तो लाइफ रिस्क पे जा रहा है। तुम ऐसा गाड़ी में बैठा हुआ ना कि अगर कोई तुमको देख लो भाई, जहाँ पे अच्छा हेल्प कॉल किए भैया लोगों ने, क्योंकि वो आंटी का जो साड़ी है वो लटक रहा था थोड़ा सा गाइस। बीच डिवाइडर के अगर उस साइड ही रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडर के इस पार आने के बाद यार रिस्की हो जाता है। मान लो कि कोई कार ऐसे निकला, पीछे से कोई कार आ रहा है, डायरेक्ट जाके ऑटो वाला को मारेगा, ऑटो वाला यार कहाँ जाएगा कुछ कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी सेफ्टी रेटिंग नहीं होता गाइस। सेफ्टी मैंने माइनस में चल समझ लो, जीरो तो भूल ही जाओ, माइनस में चला जाओ, कि ऑटो में बैठो तो खतरा ही है खतरा। और ऑटो में होता क्या है यूजुअली गाइस ना, कि 10 मैक्स टू मैक्स 10 सीट्स उसमें होते हैं, मतलब आगे भी पूरा फुल करा लो ओवरलोड में 10 सीट्स, उसके बाद भी यार बच्चे को गोद में और भी सामान लगे सब चीज़ इतना ओवरलोड कर लेते हैं ना ऑटो वाले लोग कुछ पैसे के चक्कर में, कि सबका लाइफ रिस्क में आ जाता है। ये चीज़ एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ के जो पुलिस वगैरह भी इसके बारे में अवेयर नहीं है, इसमें फोकस भी नहीं कर रहे हैं। तो यार मैं तो बोलूँगा यार, अगर कोई मतलब ऑफिशियल देख रहे हो तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में तो एटलीस्ट ध्यान दो, क्योंकि यार कोई एक्सीडेंट अभी तक हुआ नहीं है भगवान की दया से, लेकिन अगर कुछ होता है वैसा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा यार, और मतलब कितने सारे लाइफ डेंजर में चले जाएंगे आप लोग समझ लो। तो गाइस चलो ये सब चीज़ में बात नहीं करते, और
वापस घर पहुँचने ही वाले जस्ट हम, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलता है आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।